वहीं मध्य प्रदेश की चुनावी रण में निवाड़ी पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार कैंपेनर योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस गंभीरता से नहीं लेती। राहुल गांधी पहले ही तय कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस नहीं आ रही है, इसलिए वो सब छोड़कर केदारनाथ में दर्शन करने पहुंच गए हैं। चुनाव से पहले राहुल गांधी एमपी में नहीं है, इससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। कांग्रेस देश की समस्या है तो बीजेपी समाधान है। ये है डबल इंजन सरकार के कार्य, जो बोलती नहीं है करके दिखाती है, बोलती कम है करती ज्यादा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आए हैं, हमें समस्या नहीं चाहिए, हमें समाधान चाहिए। समाधान समाधान इस जनता जनार्दन की समस्या का समाधान, और ये समाधान तो केवल डबल इंजन की भाजपा सरकार ही दे पाएगी। आप सहमत है ना? आपको क्या चाहिए, समस्या चाहिए या समाधान चाहिए? समाधान चाहिए ना। चुनावी रण में सतना पहुंची बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सर्व समाज से बीएसपी को वोट देने की अपील की, साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश के चुनाव में बीएसपी पूरी तैयारी से लड़ रही है। पार्टी का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से समझौता हुआ है। केंद्र और प्रदेश में अलग अलग दलों की पार्टियां हैं, लेकिन किसी ने भी सर्व समाज, गरीबों, आदिवासियों, किसानों और छोटे व्यापारियों का कभी विकास नहीं किया। और अब रुक करते हैं दूसरी खबरों की ओर, बात ग्वालियर की कर लेते हैं, जहां दसवीं की छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। बताया जा रहा है कि नाबालिग छात्रा को बंधक बनाकर सहेली के दोस्त और उसके साथियों ने ये दरिंदगी की। यही नहीं, उसके साथ मारपीट भी की गई। बाद में घर पहुंचने पर बच्ची ने इसकी जानकारी परिवार वालों को दी। परिवार ने इसकी शिकायत थाने में की है। उधर शिकायत के बाद आरोपी परिवार को धमका रहे हैं, इसे लेकर परिजनों ने थाने से सुरक्षा की भी मांग की है। पुलिस ने अब तक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, ये कहा जा रहा है। तो गिरफ्तार नहीं किया गया है, माफ कीजिएगा, आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ग्वालियर में ये दरिंदगी का मामला सामने आया है दसवीं की छात्रा के साथ।